बनते हैं। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे आंखों के सामने बहुत सारे फोटोज बनेंगे, फोटोग्राफ्स, बचपन का चित्र, बचपन के खास समय का खेल और साथियों का चित्र, इन सभी चीज़ों के फोटो मिले बनेंगे आपके आंखों के सामने। उन साथियों में एक खास साथी रत्न का और माँ का चित्र, उन साथियों में से कोई एक रत्न वाला साथी और उसकी माँ का चित्र, इसे पढ़ो और महसूस करो। इस पोम को, इस वाली कविता को पढ़ो और कुछ महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। ये जो कविताएं होती हैं वो धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ होती हैं। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। ये जो कविताएं होती हैं उनको मन में उतरने में या समझने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कभी कभी हम बहुत सालों बाद ये जो हमने बचपन में कविता पढ़ी है तो ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ी है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। ये जो कविता है जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो वो मन के किसी भी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है और किसी भी मौके पर वह क्या होती है, उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। कविता कहानी जरूर, इसलिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये जो कोई भी कविता कहानी हमें एक ही बार पढ़ने से समझ आ रही है या फिर नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता कामयाब है। उस कविता से एक ही चित्र उभरता है फिर भी ऐसा लगता है, मतलब ऐसे ही होता है, कविता कामयाब है, मतलब कविता समझ आ गई है। नाउ हियर इज पोम। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था खेलने हमारे साथ। यहाँ किसी की बात हो रही है कि वो पता नहीं जो पड़ोस दिखता ही नहीं था वहाँ से निकल कर आता था खेलने हमारे साथ। रत्न जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। वो एक रत्न था जो बोल ही नहीं सकता था और पर हमारे साथ खेलता था, एक टूटे खिलौने की तरह, किसी भी एक टूटे खिलौने की तरह खेलता था। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। अगर हम उसको देखें तो वो दिखने में हमारी तरह ही एक बच्चा था, वो एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था ये, पर दिखता तो हमारी तरह ही था पर हम बच्चों के लिए वो एक अजूबा था, कोई अलग चीज़ थी क्योंकि वो हमसे अलग था, ये वो बोल नहीं सकता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उसे थोड़ा सा डरते भी थे क्योंकि हम उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे, न इशारों में कही उसकी बातों को न उसकी भयभीत आँखों में। और वो जो इशारों में बात कहता था उससे भी नहीं समझ आता था और ना तो उसकी भयभीत आँखों में। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, हर समय दिखती थी उसकी ये छटपटाहटें। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निराती रहती उसका खेलना। जितनी देर वो रहता था उसकी ये जो माँ थी, ये जो जैसे खेल रहा है उसकी माँ, उसको देखती ही रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, अब मैं जैसे जैसे समझने लगा हूँ जो बोल नहीं पाते हैं उनकी भाषा को मैं समझने लगा हूँ। याद आती रत्न से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। याद आती थी उस रत्न को अधिक उसकी जो
उसकी माँ की आंखों में बेबसी झलकती थी। एक कुंवर नारायण, ये जो कुंवर नारायण है उनने ये कविता उनके साथ ये जो घटना हुई थी उसके बारे में लिखी है। एक माँ की बेबसी दिया है उसको नाम। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डोंट